सभी छात्रों में उन सभी गुणों को विकसित करने में सफल हो जाता है जो एक कुशल नागरिक के अंदर समाहित होते हैं। यानी कि एक कुशल नागरिक का निर्माण करने के लिए उत्तम गुणों का होना, कुशलता का होना, अनुभवों का होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए कुशल वित्तीय लेखांकन विषय के अध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, यानी कि वित्तीय लेखांकन विषय का अध्यापक कौन कौन से गुणों को, कौन कौन से गुण उसमें समाहित होने चाहिए, कौन कौन से गुण वित्तीय लेखांकन विषय के शिक्षक में होने चाहिए, जिससे वो अपने अनुभवों के द्वारा, अपनी कुशलता के द्वारा, अपनी ईमानदारी के द्वारा और अपने उत्तम व्यवहार के द्वारा, अपने उत्तम व्यवहार के द्वारा वे उन सभी गुणों को छात्रों में अपने शिक्षण कार्य के दौरान या अपने कक्षा विषय के दौरान उन छात्रों में वो विकसित करने में सफल होता है। देखिएगा, शिक्षक में दो प्रकार के गुण होते हैं। वित्तीय लेखांकन शिक्षक के गुण तो दो प्रकार के गुण होते हैं। फर्स्ट तो होते हैं सामान्य गुण, और सेकंड होते हैं विशिष्ट गुण। सेकंड होते हैं विशिष्ट गुण, यानी वित्तीय लेखांकन का जो अध्यापक है उनमें दो प्रकार के गुण होते हैं। एक तो होता है सामान्य गुण और एक होते हैं विशिष्ट गुण। हम सामान्य गुणों के बारे में पढ़ेंगे, आज हम सामान्य गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो सामान्य गुण भी इस प्रकार के होते हैं, यानी कि सामान्य गुण भी एक अध्यापक में इस प्रकार के होने चाहिए कि जो अध्यापक जिस विषय का शिक्षण कार्य करवा रहा है, जिस विषय को पढ़ा रहा है, उस विषय से संबंधित ही, उस विषय से संबंधित उसको सारी नॉलेज होनी चाहिए। जिस विषय का शिक्षण कार्य करवा रहा है उस विषय से संबंधित उस अध्यापक को सारी नॉलेज होनी चाहिए। साथ में उसको चतुर होना चाहिए। साथ में यह है कि योग्यता व्यवसायिक गुणों से युक्त होना चाहिए। यानी कि सामान्य गुणों के दौरान वित्तीय लेखांकन विषय का अध्यापक जिस विषय से संबंधित, यानी कि जिस संबंधित विषय का वो अध्यापन करवा रहा है, जिस संबंधित विषय का वो शिक्षण कार्य करवा रहा है, उस विषय की उसको जानकारी होनी चाहिए, उस विषय का उसको ज्ञान होना चाहिए। साथ में वो कुशल होना चाहिए, चतुर होना चाहिए तथा योग्य व्यवसायिक गुणों से वो युक्त होना चाहिए। देखिएगा, फर्स्ट स्टेज में उत्तम स्वास्थ्य, फर्स्ट सामान्य गुणों में उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य यानी कि वित्तीय लेखांकन शिक्षक के सामान्य गुणों में शिक्षक का उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए। यानी कि वित्तीय लेखांकन विषय का जो शिक्षक है उसका स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए स्वास्थ्य? उत्तम होना चाहिए। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यानी कि अगर शरीर स्वस्थ है तो स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और इस प्रकार से उत्तम स्वास्थ्य वाला अध्यापक ही, उत्तम स्वास्थ्य जिस अध्यापक का है वो अध्यापक परिश्रम से, मेहनत से, लगन से तथा साथ में रुचि से अपने शिक्षण कार्य को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। रुचि के साथ शिक्षण कार्य को करवा सकता है, साथ में अपने शिक्षण कार्य को वो छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उसको प्रभावी बना सकता है। यानी कि अगर वित्तीय लेखांकन विषय का अध्यापक में उत्तम स्वास्थ्य है, उत्तम स्वास्थ्य यानी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क विकास करता है या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, अगर अध्यापक का शरीर उत्तम है, उत्तम स्वास्थ्य है, तो उत्तम स्वास्थ्य से वो अपने परिश्रम से, अपने लगन से और अपने रुचि से वो अपने शिक्षण कार्य को छात्रों के सामने प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। और छात्र भी शिक्षण कार्य के दौरान रुचि लेते हैं। साथ में यह है कि स्वस्थ शरीर होने के साथ ही शिक्षक का स्वर भी, यानी कि स्वस्थ शरीर तो है लेकिन स्वस्थ शरीर होने के साथ ही जो शिक्षक का स्वर है वो स्वर भी उच्च होना चाहिए। यानी कि शिक्षक की जो आवाज़ है, शिक्षक की जो बोलने का टोन है, शिक्षक का बोलने का जो रवैया है वो टोन भी उच्च स्वर में होना चाहिए। यानी कि किसी भी बात को डिक्लेयर करने के लिए या किसी भी बात को बोलने के लिए, शिक्षण कार्य में किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए शिक्षक का स्वर उच्च होना चाहिए। और शिक्षक की स्वाभाविक गति एवं भाव भंगिमाओं से युक्त होना चाहिए। यानी कि शिक्षक का स्वर स्वाभाविक गति से युक्त, भाव भंगिमाओं से युक्त होना चाहिए, जिससे शिक्षक अपने विचारों को, अपने भावों
शिक्षा, शिक्षक की जो वेशभूषा है वो भी प्रभावी होनी चाहिए, यानी कि उत्तम स्वास्थ्य तो होना ही चाहिए, शिक्षक का उत्तम स्वास्थ्य तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में शिक्षक की वेशभूषा भी प्रभावी होनी चाहिए, यानी कि शिक्षक ऐसा लगना चाहिए या शिक्षक का व्यक्तित्व तो इस प्रकार से लगना चाहिए कि उसका कोई मजाक न बना सके, उस शिक्षक का कोई मजाक न बना सके, यानी कि शिक्षक की वेशभूषा भी शिक्षक के व्यक्तित्व को निखारने वाली होनी चाहिए, यानी कि प्रभावी होनी चाहिए। साथ में यह है कि शिक्षक का शरीर अच्छे आचार विचार वाला, साथ में उत्तम व्यवहार वाला और साथ में व्यायाम तथा विश्राम वाला होना चाहिए, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क विकास करता है, तो उसी के अनुसार शिक्षक का शरीर उत्तम होना चाहिए, व्यायाम से और विश्राम से परिपूर्ण होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि शिक्षक स्वस्थ होना चाहिए। और दूसरा ये है इसमें कि जो शिक्षक की वेशभूषा है वो वेशभूषा प्रभावी होनी चाहिए, ताकि शिक्षक के व्यक्तित्व और वो निखार सके, और साथ में अपने स्तर को शिक्षण के लिए उपयुक्त बनाने के लिए, यानी कि जिस विषय को शिक्षक पढ़ा रहा है उस विषय के शिक्षण कार्य को उपयुक्त बनाने के लिए प्रत्येक अध्यापक की प्राथमिक विशेषता में निहित होनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक शिक्षक का स्वास्थ्य अपने प्राथमिक विषय के अनुसार होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि सबसे पहले शिक्षक के उत्तम स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, शिक्षक के उत्तम स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर शिक्षक का उत्तम स्वास्थ्य है, शिक्षक का स्वास्थ्य सही है, शिक्षक शारीरिक रूप से सही है, तो वो सभी प्रकार के, यानी कि किसी भी प्रकार की बाधा उसके शिक्षण कार्य में नहीं आएगी। साथ में यह है कि उसका स्वर उच्च होना चाहिए, वेशभूषा से उसके व्यक्तित्व झलकना चाहिए, व्यक्तित्व नजर आना चाहिए, साथ में उसके व्यक्तित्व यानी कि वेशभूषा भी उसकी प्रभावी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सेकंड है इसमें प्रभावी भाषा शैली से तात्पर्य यह है कि जब अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को करवाता है तो उसकी भाषा शैली प्रभावी शिक्षण का माध्यम होना चाहिए, यानी कि शिक्षक प्रभावी शिक्षण का माध्यम उसकी भाषा शैली होना चाहिए, प्रभावी शिक्षण का माध्यम शिक्षक की भाषा शैली होना चाहिए, शिक्षक की भाषा शैली ऐसी हो जो छात्रों पर प्रभाव डाले, शिक्षक की भाषा शैली इस प्रकार की होनी चाहिए जो छात्रों पर प्रभाव डाले। शिक्षक जिस विषय वस्तु को पढ़ा रहा है वो छात्रों के समझ में आए ऐसी भाषा शैली एक अध्यापक की होनी चाहिए। साथ में ये है कि शिक्षक सशक्त रूप से प्रभावी एवं भाषा पर उसका एक अधिकार होना चाहिए, यानी कि शिक्षक की भाषा शैली इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो सशक्त हो और प्रभावी रूप से शिक्षक का उस भाषा शैली पर अधिकार हो, उस भाषा शैली का उपयोग करता हुआ, यानी कि अपनी भाषा शैली का उपयोग करता हुआ वो छात्रों को शिक्षण कार्य करवाए, जिससे छात्र उसके शिक्षण कार्य में रुचि ले सके। शिक्षक की भाषा शैली तथा साथ में उसकी अभिव्यक्ति शैली अधिक उपयुक्त होनी चाहिए, यानी कि किसी भी शिक्षण कार्य को या किसी भी टॉपिक को, किसी भी प्रकरण को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक की भाषा शैली के साथ उसके जो अभिव्यक्ति हैं, उसके जो भाव हैं, उसके जो विचार हैं वो भी उपयुक्त होने चाहिए, वो भी अच्छे होने चाहिए। साथ में ये है कि भाषा संबंधी यदि कोई गलतियाँ होती है, या कोई त्रुटियाँ होती है तो उनका निराकरण एवं अपने अभिव्यक्ति को सशक्त बनाने का प्रयास एक अध्यापक को करना चाहिए, यानी कि अगर शिक्षक के किसी शिक्षण कार्य में भाषा शैली की कई गलतियाँ होती हैं तो उस शिक्षक को अपनी भाषा शैली में सुधार करते हुए अपने अभिव्यक्ति में सुधार करते हुए उस भाषा शैली को निरंतर सुधार करते हुए अपनी भाषा शैली को प्रभावी बनाना चाहिए, यानी कि कहीं अगर त्रुटियाँ होती है भाषा शैली में तो शिक्षक को उसका निराकरण करना चाहिए।
अध्यापक, वित्तीय लेखांकन विषय या कोई सा भी विषय मान लीजिए, उसका अध्यापक सच्चरित्रता सच्चरित्रता वाला होना चाहिए, यानी कि चरित्र से संबंधित गुण उसमें होने चाहिए, सच्चरित्रता वाले गुण उस अध्यापक में होने चाहिए, जिससे छात्र अधिक रूप से प्रभावित होते। कहने का मतलब है कि एक अध्यापक में यदि सच्चरित्रता का गुण है तो छात्र उसके उस सच्चरित्रता के गुण से उसके चरित्रता रूपी गुण से छात्र प्रभावित होते हैं, छात्रों को वो गुण अधिक रूप से प्रभावी बनाता है। साथ में ये है कि सच्चरित्र अध्यापक अपने प्रभावी गुणों के कारण ही, अपने प्रभावी गुणों के माध्यम से ही छात्रों को सद्गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा दे सकता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई शिक्षक ईमानदार है, वो अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ सकता, तो वो उस गुण को अपने छात्रों में भी ग्रहण करने की प्रेरणा दे सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सच्चरित्र अध्यापक अपने प्रभावी गुणों के कारण छात्रों को सद्गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा प्रदान करता है, प्रदान करने में वो सक्षम होता है। यानी कि छात्रों में सद्गुण या सच्चरित्रता के गुणों को प्रदान करने के लिए एक अध्यापक में सहयोग की भावना होनी चाहिए, एक अध्यापक में सत्यनिष्ठा का गुण होना चाहिए, अध्यापक के अच्छे आचार विचार होने चाहिए, यानी कि अध्यापक का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, अच्छे आचार विचार उसके होने चाहिए, साथ में ईमानदारी होनी चाहिए, निष्पक्षता यानी कि किसी भी गलती पर उसका निष्पक्ष भाव होना चाहिए। कहने का मतलब है कि गलती अगर होती है किसी छात्र से तो निष्पक्षता का भाव रखते हुए अध्यापक को अपने गुणों का विकास करना चाहिए और उसी गुणों का विकास छात्रों में भी करना चाहिए। सहयोग की भावना, सेवा की भावना, नेतृत्व करने की भावना आदि 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 गुणों का विकास वो छात्रों में कर सकता है। और इसके अतिरिक्त एक अध्यापक में संतुलन होना चाहिए, यानी कि संवेगात्मक संतुलन भी अध्यापक में होना चाहिए, जिससे वो छात्रों के प्रति अध्यापक धैर्य की भावना, स्नेह, सौम्यता, साथ में उसका आचार विचार, उसका व्यवहार, और साथ ही अध्यापक अपने स्मरण से, अपने तर्क वितर्क से, अपने चिंतन से, अपनी निर्णय शक्तियों से इन सभी भावनाओं का समावेश एक अध्यापक में होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि चरित्र से संबंधित गुणों से तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार के चरित्र से संबंधित गुण अध्यापक में होंगे, सच्चरित्रता से संबंधित गुण अध्यापक में होंगे, उन्हीं गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा एक अध्यापक छात्रों को दे सकता है। इसलिए अध्यापक में ईमानदारी का, सहयोग का, सेवा का, निष्पक्षता का और अच्छे आचार विचार का, अच्छे व्यवहार का और सत्यनिष्ठता का, इन सभी गुणों के अलावा धैर्य का, प्रेम का, सौम्यता का और साथ में व्यवहार का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी योजना। शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी योग्यता तात्पर्य यह है कि शिक्षक की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी योग्यता शिक्षा के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि जिस शिक्षा के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि जिस स्तर पर वो शिक्षण कार्य करवा रहा है, जिस स्तर के विद्यार्थियों को, जिस स्तर के छात्रों को वो शिक्षण कार्य करवा रहा है, उस कक्षा के स्तर के अनुसार ही शिक्षक की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए प्राथमिक स्तर का अध्यापक है, अब प्राथमिक स्तर के अध्यापक की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी योग्यता इस प्रकार होनी चाहिए कि या तो उसको 12th पास होना चाहिए, या मतलब उसको 12th पास होना चाहिए और साथ में BSc उसकी डिग्री होनी चाहिए, यानी कि उसकी शैक्षिक योग्यता हायर सेकेंडरी होनी चाहिए और साथ में उसका प्रशिक्षण BSc होना चाहिए। इसी प्रकार से एक शिक्षक की जो माध्यमिक स्तर का है या उच्च प्राथमिक स्तर का शिक्षक है, तो उसकी शैक्षिक योग्यता उसकी BA होना चाहिए और प्रशिक्षण उसको BEd का होना चाहिए। यानी कि एक शिक्षक की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी योग्यता शिक्षा के अनुकूल होना चाहिए, छात्रों के
है कि माध्यमिक स्तर के अनुसार ही उसकी शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी योग्यता होनी चाहिए। साथ में ये है कि विषय वस्तु की दृष्टि से यानी कि विषय वस्तु की दृष्टि से तथा छात्रों को उपयुक्त शिक्षण विधि से पढ़ाने के लिए विषय वस्तु की दृष्टि से तथा छात्रों को उपयुक्त विधि से पढ़ाने के दृष्टि से भी प्रशिक्षण योग्यता की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि यदि अध्यापक शिक्षा के स्तर के अनुकूल उसकी शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी योग्यता है तो एक अध्यापक छात्रों को शिक्षण विधि से पढ़ाने के लिए साथ में ही वो विभिन्न शिक्षण विधियों का तो यूज करता ही है, लेकिन साथ में वो विभिन्न तरीकों से विभिन्न माध्यमों से और विभिन्न सहायक शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग करते हुए छात्रों को वो शिक्षण कार्य करवा सकता है। इसलिए एक अध्यापक में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी योग्यता का होना बहुत आवश्यक है और शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी योग्यता शिक्षा के स्तर के अनुकूल ही होनी चाहिए। आपके सामान्य गुण कंप्लीट हुए। नमस्कार।